أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارک عنکبوت کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں. سورہ مبارک عنکبوت اور سورہ مبارک روم شبہِ قدر میں ان کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ان سورہ مبارکہ کا باطن موضوع ولایت سے خاص تعلق رکھتا ہے. میں نے پہلی ہی مجلس میں, یہ جو مجالس درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے, پہلی ہی مجلس میں آپ سے یہ گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ موضوع امامت و ولایت بے حد اہم ہے. جتنی بھی اس پہ گفتگو ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مزید گفتگو کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت کا موضوع, ولایت کا موضوع صرف ایک عقیدے سے متعلق بحث سے تعلق نہیں رکھتا, بلکہ پورے اسلام کی تعریف اور اس اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے حدود کی تعیین شامل ہے تعریف امامت میں. امامت کی تعریف میں, ولایت کی تعریف میں, یہ ولایت کی تعریف نہیں ہے, امامت کی تعریف امامت کی تعریف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے کلمہ توحید پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا, اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ملا مکتبی آگے کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور روزہ رکھنا ہے اور حج کرنا ہے. جا کتنے نمازی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو نماز کے وقت پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں لیکن معاملات میں دیندار ثابت نہیں ہوتے. معاملات میں بازار میں جاتے ہیں تو ان کا معاملہ اسلامی نہیں ہوتا. ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں
लेकिन वो रोज़ा वाकयान सिर्फ भूख और प्यास से तजावज़ नहीं करता। रोज़ा सिर्फ खाने और पीने को तर्क करने का नाम थोड़ी है। या हज पे जाते हैं और ज़्यारत काबा और ज़्यारत हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़िमनन होती है, असल गरज ज़्यारत और सियाहत होती है। तो ये चंद रस्में जो दीन की और शरीयत की कायम हैं, इन रस्मों को अदा करने का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि अपने ज़िंदगी के तमाम शोबों में वाकयन उस तजल्लिये तौहीद को ज़ियाबार बनाने की सलाहियत पैदा हो जाए, इसका नाम है मुसलमान। नूर तौहीद ज़िंदगी में नज़र आए, नूर तौहीद हमारी ज़िंदगी में नज़र आए, वो कैसे नज़र आएगा? नूर तौहीद हमारी ज़िंदगी को ताबनाक बना दे, ये कैसे मुमकिन है? ताबिश तौहीद, ताबानियत तौहीद, नूरानियत तौहीद, वो रूहानियत तौहीद, वो कैसे ज़िंदगी में पैदा होगी? उस चीज़ के पैदा होने का वसीला निज़ाम विलायत व इमामत है, बग़ैर उसके मुमकिन नहीं है। फिर मैं अर्ज़ करूँ, ये जो ताकीद होती है हमारी मजलिसों में इस क़दर, वो सिर्फ़ एक अक़ीदे की खातिर नहीं कि मेरा अक़ीदा ये है आपका अक़ीदा ये है, कलामी नुक्ते नज़र से बहस को और आगे ले जाइए। आज जो दुनिया में सूरत हाल है, आज इस्लाम की तारीफ नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन, इस्लाम की तारीफ जो है वो ये है कि इस्लाम टेररिज्म है और मुसलमान टेररिस्ट है। इस मंजिल तक बात कैसे पहुंची? कैसे पहुंची? क्यों पहुंची? तवज्जो रखिएगा। एक साहब मुझसे आकर बहस कर रहे थे कि साहब फ़लाँ हज़रात तो वो जिहाद पे ज़ोर देते हैं। नहीं, जिहाद के मानी से भी वाकिफ़ हैं, जिहाद के गरज व गायत से भी वाकिफ़ हैं। एक महसूस मिसाल दे दूँ, बात चूँकि आ गई तो अर्ज़ करता चलूँ। हमारे सामने एक हमारे की फरमाएं, और मैं आमदन मेंबर से नाम नहीं लेता हूं, काम इनका कंस्ट्रक्शन का है, इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं और कर रहे हैं। आप सब में तमाम हजरात तो कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता नहीं है, लेकिन दो मंज़र मैं नकल करूं आपके सामने, आप उसमें फ़र्क तो कर सकेंगे। एक जगह नई तामीर हो रही हो या नई तामीर होनी हो, तो बड़ी सी ज़मीन होगी, कहीं खुदी हुई ज़मीन होगी, मिट्टी फैली हुई होगी, ईंट पत्थर लोहा लक्कड़ सब फैला हुआ होगा, ईंटें नई होंगी जो वहाँ इस्तेमाल में आनी है, पत्थर नए होंगे जो वहाँ इस्तेमाल में आने हैं, लोहा होगा लेकिन सब बिखरा हुआ होगा, कुछ ज़मीन खुदी हुई होगी, बिखरा हुआ सामान होगा, मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल बिखरा हुआ होगा। दूसरी तरफ कहीं कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग मुनहदिम हो गई हो, किसी हादसे से गिर गई हो, वहाँ भी बिल्डिंग मटेरियल बिखरा हुआ होगा, यहाँ भी बिल्डिंग मटेरियल बिखरा हुआ है, वहाँ भी बिल्डिंग मटेरियल बिखरा हुआ है, लेकिन एक बाज़ौक इंसान, सलीमुल फितरत इंसान, सहीहुल अक्ल इंसान,
एक नजर डाल के, उचटती हुई एक नजर डाल के कहेगा यहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। जिहाद और टेररिज्म में यही फर्क है। जिहाद कंस्ट्रक्शन का नाम है, टेररिज्म डिस्ट्रक्शन का नाम है। जमीन था आसमान था। जिहाद नाम है जिंदगी और माहौल जिंदगी को तामीर करने का, न कि मुनहदिम करने का, न कि लोगों की जानें मुफ्त में ले ली जाएं। ये जिहाद है। कल मैं तकबीर बुलंद किया और जान ले ली और जान दे दी, इसका नाम जिहाद नहीं है। जिहाद नाम है जिंदगी और निज़ाम जिंदगी की तामीर का, याद रखिएगा। इससे पहले किसी मौके पे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जिहाद, इज्तिहाद और मुजाहदा, ये तीनों लफ्ज एक ही रूट वर्ड्स हैं। जिहाद, मुजाहदा, इज्तिहाद, रूट वर्ड एक ही है, वही जीम है दाल, जिसमें जिद्दो जहद कोशिश के मानी पाए जाते हैं। पूरी ताकत लगाकर अगर अपने नफ्स की तामीर कर रहे हैं अखलाकी नुक्ते नज़र से, रूहानी नुक्ते नज़र से, नूरानी नुक्ते नज़र से, इरफानी नुक्ते नज़र से, तो वह है मुजाहदा, मुजाहदा नफ्स। वैसे खारिज में भी मुहारबे और मुजाहदे का इतलाक होता है, लेकिन अब इस्तिलाहन अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी इल्मी सलाहियत को इस लायक बना रहे हैं कि अहकाम खुदा दर को दरियाफ्त और कशफ कर सकें, वो इज्तिहाद है। और अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि माहौल जिंदगी और मुआशरा उस लायक हो जाए कि पाबंद अहकाम खुदा हो जाए, तो वो जिहाद है। तवज्जो है। खुद अपने नफ्स का तरबियत करना मुजाहदा, अपनी इल्मी तरबियत करना इज्तिहाद। अब जो रायज इस्तिलाह हैं उनकी रोशनी में ये जुमले अर्ज कर रहा हूं। अपने माहौल को ऐसा बनाना कि हुक्म मौला के पाबंद हो जाएं लोग, ये है जिहाद। लेकिन ये जिहाद जब जिंदगी ही बाकी नहीं रहेगी और माहौल जिंदगी बाकी नहीं रहेगा, तो जिहाद कहाँ होगा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जमाने की तमाम जंगों का मुतालआ करें आप, तमाम जंगों का, 84 जंगें सराया और गजवात मिलाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जंगें हुई हैं, उनमें से बहुत कम जंगें हैं जिनमें खून रेजी की नौबत आई हो, और उन तमाम जंगों में मिलाकर बहुत कम अफराद हैं जो कत्ल हुए हों या शहीद हुए हों। इसलिए गौर करने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यही उसलूब था पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पेश करने का। इस्लाम इसी का नाम है, या इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी फरहंग, इस्लामी कल्चर, यही है खून की होली खेलना। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि महवर इस्लामी तमद्दुन का बदल गया। अगर इमामत सही मरकज पे रहती, अगर तहजीब इस्लामी विलायत के साए में परवान चढ़ती, तो आज इस्लाम इस दुनिया को बहिश्त बना चुका होता, आज मुसलमान किसी और अंदाज से जी रहा होता। इसलिए ये ज़रूरी है। लोग कहते हैं साहब जब भी इनकी मजलिस में एतराज़ आता है, जब भी कहीं कुरान खोलिए और ये विलायत अली की बहस छेड़ देते हैं, और हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम छेड़ेंगे क्या। और कुछ नहीं है हमारे पास, जो कुछ है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इसके अलावा कुछ नहीं। और किसी के पास कुछ हो तो ले आए दिखाए क्या है।
हम तो अकलियत में होने के बावजूद, मज़लूम होने के बावजूद, महरूम होने के बावजूद, पसमानदा होने के बावजूद, हर तरफ से सियासी शिकंजों में होने के बावजूद हमारे पास कुछ है तब तो पेश कर रहे हैं। आप आपके पास, जिनके पास अली नहीं है उनके पास इस्लाम नहीं है। क्या बात है, खुदा की कसम और इस कुरान की कसम, इस्लाम मुहम्मद और अली का नाम है। बाद मुहम्मद अगर किसी के पास अली नहीं है तो इस्लाम नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद जब पढ़िए तो तफसीर से तावील तक का सफर कीजिए। सूरह मुबारक है अनकबूत, इसका मौजू मैंने अर्ज किया था आजमाइश, इम्तिहान, इब्तिला। फलसफे आजमाइश और इम्तिहान पूरा का पूरा सूरह मुबारक है अनकबूत में पेश किया गया है। लेकिन ये आजमाइश है कौन सी, किस किस के लिए है, किस नुक्ते नजर से, रिवायत मौजूद है तफसीर बुरहान में, बड़ी अजीज़ुल क़द्र, बहुत ही नफीस किताब है तफसीर बुरहान, अल्लामा मुहद्दिस सैयद हाशिम बहरानी की तफसीर अल बुरहान उठा के देखिए, उसमें सूरह मुबारक अनकबूत की पहली ही आयत जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अहसिब अन्नासु अन युत्रकु अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस कह देंगे कि हम ईमान ले आए और छोड़ दिए जाएंगे, उनकी आजमाइश नहीं होगी, उनकी आजमाइश नहीं होगी। मुख्तलिफ रिवायत, एक दो नहीं, मुतअद्दिद रिवायात में ये मजमून आया है। कहीं यह है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, इस आयत में जिस फितने का यानी जिस आजमाइश का जिक्र है वो कौन सा फितना है? कहा, अली वो तुम्हारी ही जात से मुतालिक है। अली, दुश्मनियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह, हासिदों के हसद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अली, ये फितना तुम्हारी जात से मुतालिक है, लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। दूसरे मकाम पर गालिबन मैं इशारा कर चुका हूँ इस रिवायत की तरफ कि खुद जब विसाल पैगंबर हो गया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अब्बास आए चचा पैगंबर के, हज़रत अब्बास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, अली आओ चलो फौरन तुम्हारे लिए बैत लेते हैं, अली चलो, इन तलक बिना चलो, हम लोग चलें ताकि लोगों से बैत लें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहीं सुकून और वक़ार के साथ बैठे रहे और कहा कि क्या आपको अंदाज़ा है कि लोग हमारी बैत करेंगे? फिर उस आयत का क्या होगा, अहसिब अन्नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून? नहीं मालूम है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि लोग हमारी बैत नहीं करेंगे, इसलिए कि इस आजमाइश में ये लोग नाकाम होने वाले हैं। ठीक है ना? अब मैं एक जुमला कहूँ, अली की इमामत सिर्फ सन 40 हिजरी तक के लिए तो थी नहीं, अली आज भी इमाम है, अली क़यामत तक इमाम है, इसलिए ये आयत आज भी मुसलमानों के सामने आजमाइश पेश कर रही है, आज भी आजमाइश है। हासिब अन्नासु, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि ये कह देंगे कि हमने अली को कबूल कर लिया और छोड़ दिए जाएंगे, उनकी आजमाइश नहीं होगी? आजमाइश होगी। ये आजमाइश तह बतह है। अवलन अर्ज करूं, सूरह मुबारक अनकबूत के मानी और मतालिब में खूब गौर करने की, हर आयत में कुरान मजीद की हर आयत में गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन
आजकल जो पूरी दुनिया का माहौल है, जो एक फ़ज़ा है, सियासी, इक्तसादी, समाजी, मुआशरती और रूहानी, और फिर हर घर की जो फ़ज़ा है, और हर फर्द के अंदर जो एक आलम महशर बपा है, फर्द के अंदर, हर हर फर्द के अंदर एक महशर बपा है ना। ये अंदर के महशर से लेकर और बाहर के की हशर सामानियों तक, घर से लेकर मुआशरे तक, हर हर कदम पर, हर सांस एक आजमाइश है, हर बात एक इम्तिहान है, तवज्जो है, हर बात एक इम्तिहान है, हर सांस एक आजमाइश है। बहैसियत इंसान इस दार दुनिया को हमारे लिए दार इब्तिला बनाया गया है। इंसान मुब्तला है, इंसान को आजमाइश से गुजरना है, बहैसियत इंसान भी आजमाइश से गुजरना है। फिर अगर मुसलमान हो गए, कलमा इस्लाम पढ़ लिया, तो इस आजमाइश के मर्तबे में और इजाफा हो जाएगा, कम नहीं होगा। अगर दर्जा ईमान तक पहुंच गए तो आजमाइशों में और इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। अब मैं बाज़ हज़रात के सवाल के जवाब में अर्ज़ कर रहा हूँ, अक्सर ये सवाल होता है, लोग आते हैं और नहायत ही सादा लौही से, माफ़ कीजिएगा कि मैं सादा लौही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सादा लौही से कहते हैं, मौलाना हम तो आका के मानने, क्यों इतनी आजमाइश? इसी लिए तो आजमाइश होती है, इसीलिए आजमाइश हो, मानने के बाद आजमाइशों का सिलसिला बढ़ता है, घटता नहीं है। नहजुल बलागा में भी ये मौजू आया है, तफसीली खुतबों में भी, कलिमात क़िसार में भी, दूसरी रवायात में भी है, कुरान मजीद में भी है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि मन अहब्बना अहलल बैत फल यस्तईद लिल मसाइब मसलन, जो हम अहले बैत, अल्फाज तब्दील हो गए मेरी ज़बान पर, जो हम अहले बैत से मोहब्बत करे वो मसाइब के लिए तैयार हो जाए, वो रिदाए फ़क्र ओढ़ने के लिए तैयार हो जाए, रिदाए फ़क्र ओढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो तैयार तो रहना है हमें और आपको, इस दुनिया के मसाइल और मसाइब और मुश्किलात से घबराना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि घबरा कर कहीं खुदा ना खास्ता ख़ुद आपके हाथों से दामन विलायत छूट जाए, खुदा हमारी ज़िंदगियों में वो दिन ना लाए, खुदा हमारी ज़िंदगियों में वो दिन ना लाए। अकलियत पर एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो, कम हैं आप, हमेशा नफीस चीज़ें कम होती हैं, कीमती चीज़ें कम होती हैं, हमेशा नफीस चीज़ें कम होती हैं, लुब लुबाब मुख्तसर होता है, अपनी कमी, तादाद की कमी या किसी भी एतबार से अपनी कमी पर एहसास महरूमी भी नहीं होना चाहिए, एहसास कमतरी भी नहीं होना चाहिए। इस आजमाइश का फ़लसफ़ा है, लेकिन कुरान मजीद ने आजमाइश और इम्तिहान के मौजू को कितना दिलावेज बना दिया है, किस कदर दिलावेज। इसी सूरह मुबारक अनकबूत की एक आयत फिर मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, इब्तिदा भी इस सूरह मुबारक की मौजू इम्तिहान और इब्तिला और आजमाइश से हुई है, और इंतहा भी। सूरे के इख्तिताम पर पहले भी इस आयत पे मैं गुजारिश कर चुका हूँ, लेकिन जानबूझकर इस वक्त मैं जैसा कि अर्ज़ कर चुका कि मिजाज वरक गर्दानी का पैदा हो जाए, इस आयत पर बहुत मतालिब गुजारिश कर चुका हूँ पहले भी।
یہ سورہ مبارک عنکبوت کی 64ویں آیت ہے، آخر میں ہے تقریباً، سورہ کے آخر میں. سورہ کی ابتدا ہوتی ہے آزمائش کے ذکر سے. توجہ رکھیے گا بس ان دو سوروں کے ربط و تعلق پر آج، پھر گفتگو آگے بڑھے گی. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے سورہ عنکبوت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال ہے لوگوں کو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ توجہ رہے، یہ اعلان ایک پرہیبت اعلان ہے، یہ اعلان پرہیبت اعلان ہے. یعنی کسی سے کہیے کیا میاں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہیں سے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ بھی اعلان کس کا ہے، آواز کس کی ہے؟ پھر آیات سورے کے تسلسل سے جب آپ پڑھیں گے اور ان آیات کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جو میں نے بار بار عرض کیا کہ بحیثیت انسان بھی آپ کے لیے آزمائشیں ہیں، بحیثیت مسلمان بھی آزمائشیں ہیں، بحیثیت مومن بھی آزمائشیں. ان تمام آزمائشوں کے تذکرے کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ حوصلہ بڑھانے اور تربیت کا نقطہ یہاں ہے، کہتا ہے وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان. یہ آیت بھی اسی سورہ میں ہے، توجہ ہے، یہ آیت نمبر 64 ہے. سورہ ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ بس یہ آخری آیت بھی پڑھ لیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اس آیت پر بھی پہلے مفصل جداگانہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ تینوں آیتیں آپ اپنے سامنے رکھیں، پہلی آیت، یہ 64ویں آیت اور آخری آیت. پورے سورے کی فضا آزمائش، امتحان، ابتلا، مجاہدے، کوشش سے متعلق ہے. آخری آیت کا ترجمہ یہ کہ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، جنہوں نے ہماری راہ میں کوششیں کیں، لنہدینہم سبلنا، ہم خود ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. کیا وعدہ الہی، کیا وعدہ الہی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بتحقیق، بتحقیق، بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں نیت نیک ہے، آپ کا ارادہ نیک ہے، آپ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی خود آپ کی دستگیری فرماتا ہے، خود راہیں کھولتا چلا جاتا ہے. یہ یاد رہے کہ خود دستگیری فرماتا ہے کہ معنی وہ نہیں ہے کہ درمیان سے وسائل ہٹ جائیں. اسماء اور مظاہر الہیہ ہی درمیان میں آ کر کار کشائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ ذہن میں رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وسیلے مقرر فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذرائع مقرر فرمائے ہیں، اللہ نے جو اسماء مقرر فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امر کے لیے ایک جدا گانا اسم معین فرمایا ہے. آج بحث ذرا نسبتاً دوسرے رخ پہ چلی گئی، کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے ابھی گفتگو آگے بڑھنا باقی ہے، جہاں ابھی اسم کی بحث آئے گی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے پروردگار انہیں صحت و عافیت کے ساتھ طول حیات عطا فرمائے. قمر حیدری صاحب کو ایک خاص ذوق ہے مطالب قرآنی کا، اور جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. پروردگار ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے ابھی ممبر پہ آنے سے پہلے توجہ دلائی تھی چند مباحث کی طرف، جو ظاہر ہے میرے موضوع سے مربوط تھے، مسلسل تھے، لیکن آج کسی اور رخ کی طرف گفتگو چل پڑی. اسما ہر امر کے لیے جداگانہ اسم معین مقرر ہے، اور اس لیے توقیفیت اسماء کی بحث ہی جداگانہ ہے. توقیفیت اسماء کے معنی یہ ہے
कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जो इस्म मुकर्रर फरमा दिया है वहाँ से जो मुअय्यन हुआ है, उसके अलावा आप किसी दूसरे इस्म को अल्लाह का इस्म करार नहीं दे सकते। तवज्जो है, अजब मानी खेज और फिक्र अंगेज बहस है। और इस बहस को लोग अस्माए लफ्जिया तक ले जाके ठहर जाते हैं, कहते हैं कि जो 99 नाम अल्लाह के हैं, एक रिवायत के मुताबिक रहमान और रहीम और करीम और रज़ाक और शकूर और सबूर, ये अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिए, इन नामों के अलावा आप किसी और नाम के ज़रिए अल्लाह को नहीं पुकार सकते। तवज्जो है। अब अगर किसी को अरबी ज़बान नहीं आती, असल एक शख्स गूंगा है या गूंगा नहीं था, आपने उसकी जबान काट दी है, लफ्ज तो अदा ही नहीं कर सकता, वो अल्लाह को पुकारेगा कैसे? पुकारने का हक है या नहीं? उसे पुकारेगा या नहीं पुकारेगा? अल्लाह उसकी फरियाद सुनेगा या नहीं सुनेगा? किस इस्म के सहारे से वो अल्लाह को पुकारेगा? लफ्ज़ अल्लाह तो अदा नहीं कर पा रहा है, लफ्ज़ रहमान तो अदा नहीं कर पा रहा है, लफ्ज़ रहीम तो मुंह से ज़बान से अदा नहीं कर पा रहा है, आपने ज़बान कलम कर रखी है, तो इस्म का तसव्वुर अस्माए लफ्ज़िया तक, यानी ये हरूफ और सदाओं से अस्वात से मुरक्कब ये जो अस्मा हैं इन तक महदूद ना रहे। इस्म से मुराद सिर्फ अस्माए लफ्ज़िया नहीं है, इनका अपना दर्जा है, इनका अपना मर्तबा, ये सिर्फ कलामी बहस है। फिक्हो कलाम की हद तक ये है कि तौकीफियत अस्मा से मुराद क्या है, अल्लाह को अल्लाह के अलावा हम कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन वो तौकीफियत अस्मा के क्या मानी है, तवज्जो रखिए, तौकीफियत अस्मा यानी अल्लाह ने जिस इस्म को मुकर्रर फरमाया है उस इस्म को तब्दील नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। इसके मानी यह है कि अल्लाह ने सूरज को अगर काम दिया है, मिसाल अर्ज कर रहा हूं, सूरज को अगर काम दिया है रोशनी देने का, तो यह सूरज की रोशनी चांद से हासिल नहीं हो सकती। चांद को अगर वसीला बनाया है चांदनी बिखेरने का, तो वो चांदनी किसी और सितारे के जरिए से हासिल नहीं की जा सकती। अगर दरियाओं का काम है पानी को अपने दामन में समेट के रखना, तो ये काम पहाड़ों की चोटियों से नहीं लिया जा सकता। अगर पहाड़ियों की चोटियों का काम है पानी को जमा कर बर्फ की शक्ल में महफूज रखना, तो ये काम दरिया के दामन से और साहिल से नहीं लिया जा सकता। गौर फरमाया आपने, जिस दरख्त से जिस फल को अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है मिलने के लिए, वो उसी फल से मिलेगा, उसी दरख्त से मिलेगा वो फल। तो याद रखिए कि जो फल शजरे तैयबा से हासिल होना है, वो किसी और शजरे से हासिल नहीं होना है। जो समरा, जो फल, जो मेवा शजरे तैयबा से हासिल होना है, वो दूसरे से नहीं मिल सकता। जो काम मोहम्मद वाले मोहम्मद कर सकते हैं, वो कोई और कर नहीं सकता। नादान हैं वो, नादान हैं वो जो समझते हैं कि अल्लाह कादिर मुतलक है, जो काम उसने मोहम्मद वाले मोहम्मद से लिया वो किसी और मखलूक से भी ले सकता है। कैसी नादानी सी नादानी है। जो काम शजरे तैयबा का है वो शजरे तैयबा करेगा। फिर बच्चों को याद रह जाए, इसलिए दोहराऊं ये जुमला, कि खजूर वो मेवा है जो आम के दरख्त से नहीं मिल सकता। आम जो मेवा है वो खजूर के दरख्त से नहीं मिल सकता। आम और खजूर ये मेवे बबूल के कांटों वाले दरख्त से नहीं मिल सकता। हैं, आप मोहम्मद और आले मोहम्मद ने जो काम अंजाम दिया है, शजरे तैयबा के जो समरात हैं, वो आप किसी और से कैसे हासिल कर सकते? इसलिए उस शजरे तक पहुँचना ज़रूरी, उस शजरे तक पहुंचना ज़रूरी है। बात से बात निकलती चली गई। मैं अभी अर्ज़ तो सिर्फ ये कर रहा था कि
अस्मा की बहस अभी बाकी है, आएगी अस्मा की बहस, ये नहीं कि मेरे पेश नज़र नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ ये होता है कि जिस दिन जो बात चल पड़ती है बस वही गुफ्तगू आगे बढ़ जाती है। इस वक्त जो अर्ज़ कर रहा था कि पहली आयत आजमाइश और इब्तिला और फितने यानी आजमाइश की बात कर रही है, आखिरी आयत मुजाहदे की बात कर रही है, और ये बात कर रही है कि अगर कोई हमारी राह में आगे बढ़ता है तो हम खुद उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं, हम उसे रास्ता दिखाते हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम अपनी राहें, अपने रास्ते, अपनी सबीलें खुद उसके लिए खोल देते हैं। खुद खोल देते हैं का मतलब ये नहीं है कि दरमियान में अस्मा और मज़ाहिर का वजूद नहीं है, वो है अपनी जगह। लेकिन मैं दरमियान की आयत की तरफ जवानों को और जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है वहाँ तक मुल्तफित करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद का अंदाज़ तरबियत है और रब करीम अज़्ज़ा वजल का अंदाज़ तरबियत है। पूरे सूरे में इम्तिहान और आजमाइश की बात कही जा रही है, लेकिन इसी सूरे में यह भी कहा जा रहा है कि वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लहवुन व लअब, ये हयात दुनिया कुछ नहीं है मगर खेल और तमाशा है। अब आप तवज्जो रखिए, एक तरफ शुरू की गई बात आजमाइश से, इब्तिला से, तंबीह से, खबरदार तुम समझते हो छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही, तुम समझते हो कि आजमाइश नहीं होगी। आखिर में कहा जा रहा है कि जो हमारी राह में मुजाहदा करेंगे, लफ्ज मुजाहदा है, उनके लिए हम खुद राहें खोल देंगे, और दरमियान में कहा जा रहा है कि ये जिंदगी दुनिया की कुछ नहीं है बस खेल तमाशा है। तवज्जो है, इससे कुछ दर्स मिल रहा है अमली, कुछ हौसला मिल रहा है, कुछ हिम्मत मिल रही है। ये बिल्कुल ऐसी ही है, मिसाल अर्ज़ कर दूँ गुफ्तगू को यहाँ पर तमाम करूँ कि ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे बड़े से बड़ा इम्तिहान देना हो किसी अपने बेटे को, आपके बेटे को, और उस बेटे के माथे पे पसीने आ रहे हों, हिम्मत टूट रही हो, हार रही हो, आप एक मर्तबा उसके शाने पे हाथ रख के कहेंगे बेटा शाबाश, अरे ये कुछ नहीं आजमाइश समझ रहे हो इम्तिहान से, अरे खेल तमाशा है बेटा, हिम्मत से तो काम लो, कुछ नहीं खेल, हंसी हंसी में इम्तिहान दे के तुम आ जाओगे और इंशाल्लाह कामयाब हो के आओगे। इस दुनिया की जिंदगी है मुश्किल मगर अगर वाकयन रब्त बरकरार रहे हजरत हक सुबहानहु व तआला से, हाथ में दामने विलायत हो, अल्लाह के मुकर्रर किए हुए तमाम वासते और वसीले हाथ में हो, तो फिर ये दुनिया खेल तमाशा है इससे ज्यादा। हंसते खेलते इंसान तलवार की धार से गुजर जाता है। ये जो आप उर्दू की क्लासिकी गजलों में, क्लासिकी गजलों की बात कर रहा हूं मैं, फारसी की क्लासिकी गजलों में, फारसी और उर्दू की क्लासिकी में कुल्लन गजल हो या कसीदा हो, उसमें जो आप देखते हैं कि एक माशूक का तस्वूर है और माशूक के हाथ में तेग है, खंजर है, और आशिक जो है वो कत्ल हो रहा है और कत्ल होने पे खुश हो रहा है, ये कौन सा तस्वूर है? ये कोई और तस्वूर नहीं है, ये तस्वूर है कि एक माशूक हकीकी है जिसकी तरफ से आजमाइशें हैं और आशिक हंस हंस के उन आजमाइशों से गुजरना चाहता है, हंस हंस कर खुश होकर उन आजमाइशों से गुजरना चाह रहा है। परवरदिगार हमें और आपको बेहक कुरान अज़ीम और बेहक मुहम्मद व अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस जिंदगी को हंस खेल कर खुशी खुशी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलों और मुसीबतों को हम उलुल आज़मी के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ, साया दामान विलायत में खुशुसलूबी के साथ बसर कर सकें इस ज़िंदगी को, और तमाम मुश्किलों और मुसीबतों को से दोचार हो सकें, मुश्किलों को पसबा कर सकें, मुसीबतों को का तहम्मुल कर सकें, और हकीकत कुरान से वाबस्ता रहें, रब्त और रिश्ता हमारा बरकरार रहे हज़रत हक सुबहानहु व तआला की ज़ात से, उसके सिफ़ात से, उसकी तौहीद से। हम दुनिया में
ज़िंदगी बसर करें तो बहैसियत मुस्लिम, और दुनिया से गुज़रें, दुनिया को छोड़ें तो बहैसियत मुस्लिम। बिहक मुहम्मदिन व अहले बैतिह अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। और ये मुमकिन नहीं है जब तक कि हमारा रब्त और रिश्ता वली असर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ से। इसलिए मैं इस मरतबा खसूसियत के साथ, कोई सबब है जो हमने हर रोज़ मजलिस के बाद इस दुआ की तिलावत शुरू की है। आप सब हजरात जिस तरह पढ़ते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, लेकिन आप हजरात अपने अंदाज से ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك. So.